हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हो आप सभी? और हाँ, आज है ट्यूसडे, और ट्यूसडे थर्सडे सॉरी ट्यूसडे नहीं थर्सडे है आज। और आज की वीडियो है कि मतलब हाँ आज की वीडियो है कि मतलब साड़ी, यदि हम बाहर जाएं कहीं तो साड़ी में जैसे रुमाल कैसे लगाएं, रुमाल कैसे फिट करें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो हाथ में रुमाल लेना पसंद नहीं करते हैं। तो मेरे पास ना रिक्वेस्टेड वीडियो है, ये किसी की रिक्वेस्ट आ रही थी, काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी, 2-3 दिनों से ये कि दीदी प्लीज़ ये बताओ कि मतलब साड़ी में रुमाल कैसे टक करें, और कहीं भी जाते हैं तो मतलब हाथ में रुमाल अच्छा नहीं लगता है, तो साड़ी में किस तरह से रुमाल टक कर सकते हैं। तो रुमाल टक करने का गाइस बहुत बहुत सारे मतलब ये होते हैं, कैसे भी आप कर सकते हो साड़ी में टक। तो मैं आज वही वीडियो यहाँ लेकर आई हूँ, तो आई होप मेरी ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर हुआ तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी, जिस तरह से मैं यूज़ करती हूँ, मैं भी कहीं जाती हूँ बाहर साड़ी वाड़ी लेती हूँ तो हाँ हाथ में रुमाल लेना अच्छा नहीं लगता है, कैसा अजीब सा लगता है कि हाथ में रुमाल मतलब पर्स, ये पर्स हो ठीक है पर्स में रुमाल डाल लो एक ये भी है, पर हाँ बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ हम पर्स भी यूज़ नहीं करते हैं, पर्स नहीं ले जाते हैं, जैसे नहीं हो पाता है आजकल की लड़की हैं मतलब जो कॉलेज गर्ल हैं वो पर्स वर्स ज़्यादा नहीं लेती हैं, कुछ पार्टी वार्टी होती है तो साड़ी पहनती हैं, तो उसमें फिर कैसे रुमाल मतलब साड़ी में टक करें, तो वही मैं आज यहाँ पर आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए फिर शुरू करती हूँ कि कैसे लगाते हैं। और आज मैंने पहनी वाली साड़ी जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, तो कैसी लग रही है बताना ज़रूर मुझे। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बताती हूँ कि हाँ साड़ी में रुमाल कैसे टक करते हैं, और मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आई होप अगर वीडियो आप लोग आप सॉरी आपको अच्छा लगा, यूज़फुल हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश अच्छे से आप लोगों को बताऊँगी। जैसे मैं यूज़ करती हूँ उस तरह से तो मैं आपको बताऊँगी, वो भी बताऊँगी मैं कि मैं किस तरह से यूज़ करके तीनों ले जाती हूँ, और जिस तरह से होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो चलिए फिर बताती हूँ मैं आपको कैसे यूज़। तो हेलो गाइस, यहाँ बता रही थी कि मैं साड़ी में रुमाल कैसे टक करना चाहिए, मेरे पास एक रिक्वेस्ट आ रही थी बहुत दिनों से कि दी प्लीज़ बताओ, तो मैं यहाँ बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से आप रुमाल ले लीजिए अपना, एक कॉटन का, लेडीज़ के पास ऐसे छोटे हैंकी होते हैं, इस तरह से आप ले लीजिए, इस तरह से फोल्ड करिए, एक तरीका तो ये है। और यहाँ साड़ी के इस पर जिस साइड में ये प्लेट होती है ना, उस साइड में यहाँ ऊपर की साइड में इस तरह से इन कर लीजिए, तो इस तरह से भी कर सकते हैं यहाँ पे ये, पर हाँ यहाँ करने से इस तरह से ये दिखाई देता है, तो आप इस तरह से भी यहाँ कर सकते हो। काफ़ी लेडीज़ें करती हैं, इसे पहले भी करती थीं अभी भी करती हैं, तो एक तरीका तो ये है, यहाँ पर आप इस तरह से कर सकते हो। और यहाँ गाइस मैंने इसलिए उस टाइम नहीं बोला क्योंकि छत पे कुछ काम चल रहा था तो काफ़ी आवाज़ आ रही थी, तो मैं इसलिए बाद में वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो उस टाइम इसलिए मैंने नहीं बोला था तो डिस्टर्ब होता आप लोगों को। और दूसरा तरीका ये है कि आप इस तरह से फोल्ड करके हैंकी को और इस तरह से लगा सकते हो, तिरछी मतलब त्रिकोण करके इस तरह से भी आप यहाँ पे इसको लगा सकते हो, कर सकते हो। तो कई तरीके हैं साड़ी में ये इस तरह से करने के, तो यहाँ थोड़ा सा ये छिप जाता है, इस तरह से लगता है, ये ऐसे लगेगा आप कहीं भी जाओ तो आपको फिर हाथ में हैंकी लेने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह से आप यहाँ पे साड़ी के इसमें लगा सकते हो। फिर आप इस तरह से दूसरी फोल्ड करके जैसे मैंने पहले करी थी इसी तरह से, इस तरह की फ़ोल्ड करके छोटी मतलब चार उस प्लेट्स में करके आप इस साइड भी कर सकते हो, बस इस साइड भी लगा सकते हो ताकि इधर से दिखाई ना दे, इधर की इस साइड में साड़ी को टक अंडर साइड में, साड़ी के अंदर साइड में आप इससे करो तो ये ना दिखाई नहीं देगा आपको, इस तरह से साड़ी से ये कवर हो जाएगा, दिखाई नहीं देगा। हाँ इस तरह से आप इधर कर लेते, देखिए बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है ना, इस तरह से अंदर में रहेगा आपके, इस तरह ये करने के बाद में। हाँ देखिए जैसे मैंने किया है इस साइड में करने के बाद में, तो ये ऐसे हो जाता है। और कई तरीके हैं साड़ियों में रुमाल ये हैंकी करने के, आप मतलब ये करते हो, पर मेरा तरीका कुछ अलग है, मैं एक अलग तरीके से ही करती हूँ, मैं वो भी आपको बताऊँगी यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर ये और एक फोल्ड इस तरह से बना लीजिए आप, बनाकर ये फोल्ड करके
मतलब छोटी सी त्रिकोण इस करके वैसे ही जैसे मैंने अभी बताया था आपको उसी तरह से ये एक और इस तरह से फोल्ड डबल करके आप इसको भी फिर यहाँ पर अंडर साइड में ऐसे कर सकते हो। तो कई तरीके हैं, इस साइड आप करोगे प्लेट्स की साइड तो बस यही है कि दिखाई देगा, और अंडर साइड उस साइड करोगे तो दिखाई नहीं देगा। तो दोनों ही तरीके हैं, ये इजी तरीके हैं आपको इस तरह साड़ी में ये करने के, हैंकी लगाने के आपको काम आएंगे। आपको फिर हैंकी हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है बार बार, हाँ जब आपको यूज़ करना हो तब ले लो। और मैं किस तरह से लगाती हूँ ये देखिए, मैं इस तरह से एकदम छोटी फोल्ड करती हूँ क्योंकि मुझे हैंकी दिखाना एकदम पसंद नहीं है। साड़ी में लगा भी तो साड़ी का पूरा लुक थोड़ा ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो मैं इस तरह से छोटी सी फोल्ड करती हूँ और यहाँ ये देखिए ये प्लेट्स की जगह होती है ना यहाँ थोड़ी सी ऊपर, उस साइड में मैं इस तरह से अंडर में कर लेती हूँ। इसको साड़ी के ऊपर ही रहता है, अंडर में ही कर लेती हूँ, प्लेट्स के ऊपर ही रहता है और दिखाई भी नहीं देता है और बहुत अच्छा तरीका लगता है मुझे। किसी को मालूम भी नहीं चलता कि यहाँ हैंकी है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। आप सोचोगे शायद यहाँ फूलता होगा या मोटा सा लगता है, बिल्कुल भी नहीं गाइस, कुछ भी नहीं होता है। आप एकदम हल्की सी छोटी सी उसका फोल्ड करो हैंकी का, उस तरह से रख लो। मुझे ये आइडिया मैं बहुत यूज़ करती हूँ, मैं कहीं भी जाती हूँ बाहर साड़ी वाड़ी पहन के, तो मैं अपना हैंकी या तो इस तरह से रखती हूँ जैसे मैं भी आपको बता रही हूँ, और एक और तरीका है उस तरह से भी रखती हूँ, वो भी मैं भी आपको बताऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो मुझे ये तरीका, और इसे निकालना हो तो देखिए आराम से इस तरह से आप निकाल लो, आपकी साड़ी बिल्कुल ख़राब नहीं होगी। बस आराम से इसे हाथ डालो और आराम से दो उंगलियों से निकल आता है और साड़ी आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। हाँ ये हो सकता है कि आप अपनी साड़ी किस तरह से आप टाइट फिटिंग साड़ी बांधो बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, तो मैं इस तरह से साड़ी बांधती हूँ कि मेरी प्लेट्स वगैरह कुछ भी नहीं ख़राब होती हैं। तो आप भी इस तरह से बस ध्यान दीजिएगा, और एकदम साड़ियों के प्लेट्स में नहीं रखा जाता गाइस, प्लेट्स के ऊपर ही रखा जाता है यहाँ। और देखिए दूसरा तरीका एक ये है कि ये आपका ब्लाउज का ये नीचे का साइड है ना, इस साइड में यहाँ पर बस देखिए आराम से रखा जाता है। मैं यहाँ पर भी रख लेती हूँ काफ़ी बार, जब भी जाती हूँ मैं यहाँ पर भी अपना, मतलब ये देखिए इस साइड में है ब्लाउज के साइड, तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है गाइस, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ हैंकी आपका क्या है? तो मैं ये दो तरीके बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि वैसे वो जो पहले बताए वो भी, देखिए आराम से बस इस तरह से हाथ डालिए और निकाल लीजिए, देखिए निकल गया। आपकी साड़ी ख़राब होने का भी झंझट नहीं है, और मतलब कुछ भी नहीं है कि हाँ निकालो तो कहीं प्लेट ना खिंच जाए ना हो जाए, ये डर होता होगा। तो आप यहाँ भी रख सकते हो ब्लाउज के नीचे साइड में, तो यहाँ से आपकी साड़ी ख़राब होने का भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर भी रखती हूँ अपना ब्लाउज, मैंने आपको बता दिया ये आइडिया, इस तरह से आराम से फिर यूज़ करके आप रख भी सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये आइडिया? मैं तो इसी तरह से मतलब कहीं भी जाती हूँ, मैंने आपको कई तरीके बता दिए, पर सबसे बेस्ट जो मैं यूज़ करती हूँ वो दो ही तरीके हैं कि मैं एकदम छोटी सी फोल्ड बनाती हूँ अपने हैंकी की, और उस जिस तरह से वहाँ मतलब साड़ी की जो प्लेट्स से थोड़ी सी ऊपर वाली जगह है वहाँ पर उसको अंडर मतलब ये कर लेती हूँ, अंदर में रख लेती हूँ, या फिर ब्लाउज के नीचे इस तरह से करती हूँ। तो मुझे तो मैं यही यूज़ करती हूँ, जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि उससे ना वो दिखाई भी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता। हाँ और वैसे मैंने आपको कई तीन चार आइडिया बताए, आपको जो भी अच्छा लगे जो पसंद आया हो, आई होप आपको पसंद आए होंगे, यूज़फुल होंगे। तो आपको जो भी यूज़फुल लगे या आपको जिसमें भी आप कंफर्टेबल हों आप वो कर सकते हो, पर मैं वाला मुझे सबसे अच्छा वही लगता है कि एक छोटी सी फोल्ड बनाओ उसकी और अंदर में मतलब इस तरह से लग, क्योंकि वो लटका हुआ झूला हुआ मुझे तो अच्छा लगता नहीं है। वो दिखाओ या इस साइड रखो या इस साइड रखो, तो इस साइड भी अगर हम रखेंगे साड़ी के अंदर साइड में तो वो साड़ी को फिर जब उसको हैंकी को निकालना होगा तो फिर साड़ी को थोड़ा सा उठाना पड़ता है, तो वो मुझे मतलब उतना पसंद नहीं आता। पर हाँ आपको यदि यूज़फुल हो तो आप वो कर सकती हो, पर मुझे वही अच्छा लगता है कि एक छोटी सी फोल्ड बना के बस रख लिया, या तो आप अपने ब्लाउज के अंडर साइड में इस तरह से रख सकते हो जिस तरह मैंने दिखाया आप लोग को, या फिर साड़ी की इस तरह अंदर में इस तरह से रख सकते हो। तो क्या ना वो दिखाई भी नहीं देता और अच्छा भी लगता है, आपको जब भी यूज़ करना हो आप आराम से निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया कि जिस आप अगर साड़ी अच्छे से ठीक से बांधोगे ना फिटिंग से मतलब टाइट फिटिंग, तो कोई दिक्कत नहीं होगी गाइस इस तरह से निकालने में, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैं कहीं भी जाती हूँ अपना हैंकी कुछ भी करती हूँ तो मैं इसी तरह से करती हूँ और इसी तरह से लेके भी जाती हूँ। मुझे मैं बार बार कितनी भी बार निकालना पड़े मुझे साड़ी में कोई मेरी प्लेट्स ख़राब नहीं होती, कुछ नहीं होता, एकदम ठीक रहती है, जैसे कि जैसे मैं बांध के जाती हूँ वैसी रहती है मेरी साड़ी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। तो आई होप आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। मैंने आपकी रिक्वेस्ट पे ये वीडियो डाला था, मुझे कई दिनों से तीन चार दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी प्लीज़ ये वीडियो डालो डालो, तो मैंने आज ये वीडियो डाला।
तो मुझे उम्मीद है कि आप, मैंने पूरी कोशिश करी अपनी आप लोग को बताने की, समझाने की, आपको समझ में आ गया होगा शायद। तो बस और यहीं तक था ये वीडियो। चलिए फिर लेती हूँ इस वीडियो का, मैं करती हूँ यहीं पर एंड और मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से और वीडियो के साथ। तो आपकी जो भी मतलब कोई बात हो या कुछ हो गाइस, तो मुझे अच्छा लगता है कि आप इस तरह से मुझसे कुछ वो करते हो, मतलब बोलते हो कि हाँ दीदी हमें ये बताओ वो बताओ, तो बहुत खुशी होती है मेरी। जहाँ तक होगी मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों की ये पूरी करने की, जहाँ तक मुझसे हो सकेगा आप लोग जो बोलते हो मैं उसको पूरी करने की पूरी कोशिश किया करूँगी। और आगे भी इसी तरह से अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा। अभी भी आप लोग का प्यार मुझे अच्छा ही मिल रहा है, पर थोड़ा सा और प्लीज़ गाइस तो मुझे सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। आपके सपोर्ट के बिना मैं बिल्कुल आगे नहीं जा सकती और मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट और साथ की। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू। अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। और वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर मुझे, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये आइडिया मेरा आप लोग को कैसा लगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।